हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, आज हम देखने वाले हैं हु इज इन लव विद यू। सो टुडे आई विल बी यूजिंग माय न्यू डेक, यिन एंड यान ओरेकल डेक। ओके, सो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल डेक, सो दैट्स व्हाई आई ऑर्डर्ड इट एंड नाउ टुडे आई विल बी यूजिंग इट। सो मुझे किसी ने रिक्वेस्ट किया था कि आप इस टॉपिक पे रीडिंग करें कि कौन है जो आप लोगों से प्यार करता है, हु इज़ इन लव विद यू। आज हम देखेंगे, रीडिंग जो है वो कलेक्टिव है, जनरल है, फॉर ऑल साइंस, फॉर ऑल जेंडर्स। आप इस रीडिंग को मेल, फीमेल और सेम जेंडर के लिए देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी देखोगे रेजोनेट करेगा। जितना रेजोनेट हो उतना रखिए, बाकी को जाने दें। चैनल पे न्यू है, मस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप लोग मेरे ईमेल पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ईमेल आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, मेरा फेसबुक और मेरे इंस्टा का आईडी भी। सो प्लीज़ चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड मस्ट फॉलो मी ऑन माई ऑल अकाउंट्स। डेफिनेटली आई विल अप्रिशिएट इट एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर लव। आई विल डेफिनेटली अप्रिशिएट इट गाइज। सो जितना भी आप इस चैनल को सपोर्ट करेंगे उतनी ही ज़्यादा मैं इस चैनल पे जो है वो रीडिंग्स लेके आया करूँगी, ठीक है। सो नाउ लेट्स सी, स्टे पॉजिटिव एंड वीडियो को लाइक करें, ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि कोई रीडिंग मिस ना कर सकें आप लोग। वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, ठीक है, और क्लेम भी किया करें कमेंट सेक्शन में। लेट्स सी, मस्ट लाइक एंड मस्ट सब्सक्राइब। लेट्स सी हु इज़ इन लव विद यू। वीडियोस जो रीडिंग को देख रहे हैं, हु इज़ इन लव विद यू, हु इज़ इन लव विद यू, कौन है जो मेरे यूनिवर्स से प्यार करता है, हु इज़ इन लव विद यू। ये सिंगल्स के लिए रीडिंग भी है। ऑलरेडी आप किसी के साथ ब्रेकअप है, किसी के साथ रिलेशनशिप है, तो भी आप क्लैरिफिकेशन के लिए भी रीडिंग को देख सकते हैं, हु इज़ इन लव विद यू। इतने सारे कार्ड आ चुके हैं, हु इज़ इन लव विद यू। यस, सो वी हैव एरिस, लियो, सैगिटेरियस, फायर साइन। सो ये पर्सन का स्टार साइन हो सकता है एरिस, लियो, सैगिटेरियस हो सकता है, या दिस पर्सन कुड बी अ फायर साइन। देन वी हैव सेलिब्रेशन, गिफ्ट्स, अबंडेंस। देन वी हैव रिबर्थ एंड विंटर। या आई फील लाइक ये जो भी पर्सन है आप लोगों का, हो सकता है इसी विंटर में चांसेस हैं मिलने के। Then we have attraction, Mars hold. Oh, this is a very strong placement of Aries in this person birth chart, guys. ये किसी भी तरह से इस पर्सन का सन, मून, वीनस कहीं पे भी जो होता है, हो सकता है चार्ट में जो है ये फायर साइन लगता हो। इस पर्सन का जो बर्थ प्लैनेट है वो हो सकता है मार्स हो सकता है। ऑब्वियसली मार्स इज़ अ वेरी हॉट, वेरी यू नो स्ट्रोंग प्लैनेट। Then we have regret. We have regret, repression. So first I will explain you guys. This is the person who is in love with you. This person is from your past. क्योंकि ये person आपके पास से है guys, जो कि इस time आपके साथ ब्रेकअप है इस पर्सन का डेफिनेटली, और इसको आपको छोड़ने की वजह से ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट में है। बिकॉज दिस पर्सन फीलिंग्स अ लॉट ऑफ अट्रैक्शन, अ लॉट ऑफ फिजिकल अट्रैक्शन टूवर्ड्स यू, और काफ़ी ज़्यादा हॉट इस पर्सन के इमोशंस हो रहे हैं आप लोगों को। इट मीन्स कि इस पर्सन के आपकी तरफ जो एक इमोशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशन है, फिजिकल सेक्चुअलिटी को लेकर। या तो यू गाइज आर लाइक आप ऐसे पर्सन इस पर्सन को लग रहे हो जैसे कि आप इस पर्सन की फीलिंग्स को, इसकी मैस्कुलिन, फेमिनिन जो भी एक सेक्चुअल फीलिंग्स होती हैं उसको आप एक्टिवेट कर रहे हो इस पर्सन के अंदर। लाइक ये पर्सन टर्न ऑन हो जाता है आप लोगों को जहाँ कहीं पे भी देखता है, वट एवर आपकी पिक्चर देख रहे हैं या कुछ भी देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे फायर साइन की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसको रिग्रेट है आप लोगों को छोड़ने का, दैट्स वाई ये पर्सन, क्योंकि अब आपसे काफ़ी ज़्यादा प्यार करता है, ठीक है। अगर आपका कोई भी ये पर्सन पास्ट से नहीं है तो ये वो पर्सन है जो हो सकता है इस टाइम अपनी लाइफ में किसी तरह से लाइफ को न्यू तरह से स्टार्ट करना चाहता है। मे बी इस पर्सन को अपनी लाइफ में इस टाइम किसी तरह का रिग्रेट हो सकता है। दिस पर्सन इज़ गोइंग थ्रू सम काइंड ऑफ रिग्रेट इन देयर लाइफ, दैट्स वाई दिस पर्सन वुड बी सैड। बट ये आपके साथ रिबर्थ करना चाहता है, अपनी लाइफ की रिबर्थ करना चाहता है। अगर पास से है तो डेफिनेटली आपका विंटर में इस पर्सन के साथ मीटिंग के बहुत ज़्यादा चांसेज हैं, बिकॉज हो सकता है ये पर्सन आपको किसी तरह से कोई गिफ्ट दे सकता है, किसी तरह से आपके साथ
हो सकता है न्यू ईयर सेलिब्रेट कर सकता है या आपके इस पर्सन की बर्थडे आ रही है तो सेलिब्रेशन हो सकती है किसी तरह से, ठीक है, अगर आप इस पर्सन को जानते हो। अगर नहीं जानते तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये पर्सन बहुत जल्द जो है आप लोगों से मिलने वाला है और आपको अपनी लव जो है वो एक्सप्रेस करने वाला है। बट मैं टैरो से भी मज़ीद जो है वो क्लैरिफिकेशन लूँगी। बट ये किसी तरह से अपनी लाइफ में आपके साथ ग्रोथ चाहता है। दिस पर्सन इज सो मच इन लव विद यू गाइस, दिस पर्सन लाइक्स यू सो मच और इन लव विद यू सो मच, तो ये रिबर्थ करना चाहता है। बिकॉज अभी तक मुझे एनर्जी यही आ रही है कि ये पर्सन जो है वो आपके पास्ट से है, जो आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन महसूस कर रहा है। इस पर्सन को आप काफ़ी ज़्यादा हॉट लगते हो। आपका अपना स्टार साइन जो है वो फायर साइन हो सकता है, हो सकता है आप दोनों ही फायर साइन हो सकते हो। सी यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक डिसेप्शन एंड टेम्पटेशन की एनर्जी है। डेफिनेटली वो पर्सन है जो आपको छोड़ के चले गया था, इसने आपको धोखा दिया, आपको चीट किया या किसी भी तरह से कुछ भी किया आपके साथ बुरा, उस चीज़ का इस पर्सन को अब रिग्रेट हो रहा है और ये काफ़ी ज़्यादा इसकी जो इमोशंस हैं वो आपको लेकर टेम्पटेटेड हैं, काफ़ी हॉट हैं। तो ये पर्सन डेफिनेटली आपके साथ जो है वो यू नो हैंकी वेंकियाँ टैप वो करना चाहता है। डेफिनेटली ये काफ़ी ज़्यादा सेक्सुअल फीलिंग्स हैं इस पर्सन की आपको लेकर, बिकॉज आप इस पर्सन के अंदर एक उसकी इमोशंस को टर्न ऑन कर रहे हो। वॉट एवर दिस पर्सन इज़ अ मेल और फीमेल, जो भी इस पर्सन का जो है वो जेंडर है, आप इस पर्सन को डेफिनेटली ये काफ़ी ज़्यादा टेम्पटेड हो रहा है ये पर्सन आपको लेकर। कैप्रिकॉर्न भी इस पर्सन का स्टार साइन हो सकता है, बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एनर्जी जो है वो फायर साइन की आ रही है। यहाँ पे है भी वैसे आप इस पर्सन को वैसे भी दिखने में काफ़ी हॉट लगते हो। देन वी हैव डिसीजंस, यस डेफिनेटली गाइज, ये जो भी है ना, ये जो आपसे प्यार करता है, ये पर्सन आपके पास से ये आपकी तरफ आना चाहता है, बट राइट नाउ दिस पर्सन इज कन्फ्यूज, ठीक है। एक डिसीजन लेना है इन्होंने, इनके पास दो चॉइसेस हो सकती हैं, दो रास्ते हो सकते हैं, बट अभी डिसीजन लेने में इसको प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन ये आपके साथ शायद हो सकता है कोई एक्सचेंज कर सकता है गिफ्ट, क्योंकि ये आपके साथ में लाइफ सेलिब्रेट करना चाहता है, दैट्स व्हाई। बट आप इस पर्सन को काफ़ी अट्रैक्ट कर रहे हो। अल्केमी एंसेस्टर्स गाइड्स, यस, ये पर्सन किसी तरह से यहाँ पे मैजिशियन की एनर्जी आ रही है। ये जो भी पर्सन है ये आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, क्योंकि ये आपको चाहता है, दैट्स व्हाई दिस पर्सन इज़ कीप मैनिफेस्टिंग यू। अपने इंसेस्टर गाइड से जो है वो ये पर्सन गाइडेंस ले रहा है, ताकि इसको डिसीजन लेने में जो है वो आगे इजीली इस पर्सन के लिए काम हो सके, इसको डिफ़िकल्टी ना हो आपके पास आने के लिए या किसी तरह का डिसीजन लेने के लिए। जैसे एक इंडिसाइजिव एनर्जी होती है ना, ये वो पर्सन की है, लेकिन ये बहुत जल्द डिसीजन लेगा और आपको अपना लव जो है वो एक्सप्रेस करेगा, बिकॉज दिस पर्सन कांट कंट्रोल ऑन देयर फीलिंग्स, क्योंकि काफ़ी टेम्पटेड हो रही है और काफ़ी टाइम से ऐसे लग रहा है इस पर्सन ने अपने इमोशंस दबा के रखे हुए हैं, छुपा के रखे हुए हैं आपसे, लेकिन बहुत जल्दी आपको अपने इमोशंस बताएगा। असिस्टेंट्स एंड स्पिरिट गाइड, यस, यहाँ पे एंसेस्टर गाइड है और यहाँ पे स्पिरिट गाइड है। ये पर्सन एंजल से ले रहा है हेल्प, पार्टी एंड एक्सटर्नल, हो सकता है यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। ये पर्सन ऑलरेडी किसी के साथ मैरिड भी हो सकता है, बट आपके साथ पास्ट में कनेक्शन था इस पर्सन का, या फिर कुछ लोगों की तरफ से लग रहा है, हो सकता है ये पर्सन ने शायद आपको डेट किया हो या आपने इस पर्सन को डेट किया हो, बट आप किसी पार्टी वगैरह में मिले हो, ये भी हो सकता है। लेकिन किसी तरह का ये एक्सटर्नल अफेयर भी हो सकता है इस पर्सन का आपके साथ। मे बी ये पर्सन आपको इसीलिए जो है वो लाइक लव हो रहा है इस पर्सन को आपसे, बिकॉज पहले कहीं ना कहीं आपका इस पर्सन के साथ कोई अफेयर रह चुका है। अगर अफेयर नहीं रहा तो हो सकता है किस तरह की पार्टी में आप मिले हो या फिर किस तरह की गेट टुगेदर में आप लोग गए थे, वहाँ पे इस पर्सन ने आपको देखा और ये पर्सन आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्ट हो गया और दिस पर्सन रियली वॉन्ट्स टू डू सम फिजिकल स्टफ विद यू, ठीक है। नाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो हु इज इन लव विद यू। We have Seven of Swords. Definitely, I told you guys, this is a person who cheated you. Yes, इस पर्सन को आपको चीट करने की वजह से आप रिग्रेट हो रहा है। इस पर्सन ने डेफिनेटली आपको डिसेप्शन किया कहीं से ना किसी तरह से, ठीक है। यहाँ पर ये सिचुएशन भी हो सकती है, ये पर्सन और आपका एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप था पास्ट में, बट ऐसा हुआ कि इस पर्सन ने किसी और के साथ अफेयर स्टार्ट कर दिया या किसी और के साथ ये पर्सन इन्वॉल्व हो गया था, ठीक है। इस पर्सन का किसी के साथ एक्सटर्नल रिलेशनशिप था बट आपको नहीं पता था, लेकिन जब आपको पता चला डेफिनेटली वो चीटिंग में ही आता है। इस पर्सन ने आपको धोखा दिया या और अब इस चीज़ का उसको रिग्रेट हो रहा है इस पर्सन में। यहाँ पर ये सिचुएशन है, बिकॉज यहाँ पर सेवन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। दिस पर्सन इज़ अ प्लेयर, वट एवर मेल और फीमेल, हो सकता है ये एक ही टाइम में काफ़ी लोगों के साथ अफेयर रखते हैं, ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है। टू ऑफ स्वॉर्ड,
यहाँ पे भी यही एनर्जी है और यहाँ पे भी यही एनर्जी है। ये पर्सन ने जो आपको धोखा दिया ना गाइस, उस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा जो है अभी फैसला नहीं कर पा रहे कि इन्हें आप लोगों की तरफ अगर आना है तो किस तरह से आना है, किस तरह से एक्शन लेना है, किस तरह से आपसे कॉन्टैक्ट करना है, किस तरह से आपसे बात करनी है और कैसे आपको बताए कि ये आपको पसंद करता है, यहाँ आपसे शादी करना चाहता है। यहाँ पे शादी की बात तो वैसे यहाँ पे मुझे अभी नज़र नहीं आ रही, सॉरी टू से, बट मैंने बोल दिया तो हो सकता है कुछ लोग चाहते हैं लेकिन अभी कंफ्यूज है, उनको नहीं पता। बट रिलेशनशिप कैसे बनाना है, कैसे आपको जो इस टाइम इनको अट्रैक्शन महसूस हो रही है, एक टेम्पटेशन वाली एनर्जी जा रही है इस पर्सन की, वो कैसे ये आपको बताए, उस चीज़ को लेके ये पर्सन कंफ्यूज है। बिकॉज कुछ लोगों के लिए आई डोंट वांट टू ट्रिगर यू, बट मुझे एनर्जी लग रही है, हो सकता है आप में से बहुत से ऐसे लोग हो सकते हैं जो इस पर्सन के साथ ऑलरेडी फिजिकल हो चुके हैं। दैट्स वाई ये पर्सन कंफ्यूज है कि अब दोबारा इस पर्सन को जो वो नई डोरी है वो कैसे अब आपके पास वापस आके पूरी करें। ये लव से ज़्यादा मुझे एक फिजिकल जो है ना आप कह लो कि नीड वो फील हो रही है। देन वी हैव थ्री ऑफ वांड्स। यस दिस पर्सन इज वेटिंग, ये एक्शन लेने का वेट कर रहा है गाइस, बट कंफ्यूज है, समझ नहीं आ रही कैसे एक्शन ले। बट दिस इज अ वेरी हॉट एनर्जी, आई कैन फील इट। फाइव ऑफ स्वॉर्ड, यस आपके काफ़ी ज़्यादा आपस में बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है आप लोगों का कोई इशू चल रहा है, बहुत ही बुरी तरह से आप लोगों की आपस में कोई एंडिंग हुई है जिसकी वजह से यहाँ पे बैक टू बैक एयर साइन की एनर्जी है। एयर साइन इज़ ऑल अबाउट थिंकिंग, प्रैक्टिकलिटी, लॉजिकली, ये लॉजिकली चीज़ों को देख रहा है, सोचने की कोशिश कर रहा है कि रिजोल्व कैसे करना है। कुछ लोगों का यहाँ पर डिस्टेंस भी हो सकता है, हो सकता है ये आपको छोड़ के कहीं और दूर चले गया था या स्टिल अभी भी दूर है। बट दिस पर्सन इज़ वेटिंग फॉर द कम्युनिकेशन, ये कम्युनिकेशन करना चाहता है। नाइन ऑफ कप्स, दिस पर्सन लाइक्स यू सो मच गाइस, एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड, ये आपको ये जो पर्सन है ना, ये आपकी विश कम ट्रू हो गाइस, ये पर्सन आपको डेफिनेटली बहुत पसंद करता है। मुझे लव से ज़्यादा अट्रैक्शन दिख रही है यहाँ पे, सॉरी टू से, बट यहाँ पे एनर्जी ऐसी आ रही है। क्वेश्चन तो यही था हु इज़ इन लव विद यू, बट यहाँ पे मुझे 80% चांसेस जो हैं वो दिख रहे हैं कि ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपकी तरफ इसको एक अट्रैक्शन है, टेम्पटेशन है। बाकी 20% की एनर्जी होगी कि ये पर्सन आपको पसंद करता है, दैट्स वाई ये सेलिब्रेट करना चाहता है, इसकी एनर्जी अच्छी है, गिफ्ट देना चाहते हैं, अबंडेंस चाहते हैं आपके साथ इस कनेक्शन में, बट और आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बट अदरवाइज़ यहाँ पे 80% एनर्जी यही है कि ये पर्सन की टेम्पटेशन है आपको लेके, अट्रैक्शन है, फिजिकल अट्रैक्शन हो सकती है, काफ़ी हॉट एनर्जी है इस पर्सन की आपको लेकर। ये पर्सन शायद हो सकता है काफ़ी ज़्यादा कंट्रोलिंग पर्सन भी हो सकता है, बट इसकी आप विश हो, दैट्स वाई ये पर्सन आपको स्पाई कर रहा है। अगेन स्वॉर्ड की एनर्जी है, ये आपको स्पाई कर रहा है, आप पे नज़र रख रहा है और बहाने की तलाश में है कि किसी तरह से इसकी विश पूरी हो जाए जो ये इस टाइम चाह रहा है। लेस ये पर्सन अगर आपके पास अगर ऑलरेडी आप इस पर्सन के साथ फिजिकल हो चुके हो, इनकाउंटर हो चुका है आपका, दोबारा भी ये पर्सन इसी वजह से आपके पास आएगा कनेक्शन रखने के लिए, ये मैं आपको यहाँ बता सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि एनर्जी यहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है। हो सकता है ये पर्सन ऑलरेडी आपके साथ किसी तरह से मैरिड था, बिकॉज यहाँ पे हेरोफेंट की एनर्जी है, ये पर्सन ऑलरेडी किसी के साथ मैरिड था बट फिर भी इसका अफेयर कहीं था लेकिन आप सेपरेशन पे चले गए, या फिर अभी आप सेपरेशन पे हो अपने हस्बैंड वाइफ से, बट ये दोबारा से आपके साथ जो है वो कनेक्शन बनाना चाहते हैं क्योंकि आप मैरिड हो एक दूसरे से। या फिर कुछ लोगों के लिए एनर्जी लग रही है मुझे कि ये जो आपका ये जो भी पर्सन है ना, ये आपके पास वापस आएगा, आपको यही कहेगा कि आपसे शादी करेगा, शादी करेगा, लेकिन शादी के नाम से बाकी सब कुछ कर लेगा लेकिन शादी नहीं करेगा, बिकॉज ये कन्फ्यूज़ है बहुत ज़्यादा। बिकॉज कुछ लोगों के स्टेटस, कास्ट, कल्चर, सोसाइटी, लैंग्वेज, बैकग्राउंड का डिफरेंस हो सकता है, उस वजह से ये इस काबिल ही नहीं है अभी कि ये आपके साथ कोई आगे शादी करे, सुहाने ख्वाब दिखाए, ख्वाब दिखाएगा, शादी नहीं करेगा। फ्यूचर के बारे में आपसे बात ज़रूर करेगा लेकिन शादी के चांसेस नहीं होंगे, सो बी केयरफुल, ओके। So this is your reading, like, share and subscribe. I will see you in my next video. Till then, take care. Bye.